WTR 3925 इसके ऊपर है WTR 3925। इसकी बात कोई भी नहीं करता, क्यों भाई करो, देवेंद्र अग्रवाल करेगा, तेरा भाई जोगिंदर करेगा इसकी बात, तेरा भाई जोगिंदर करेगा इसकी बात। हाँ हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग यार। दोस्तों एक नया दिन, एक नई शुरुआत। बहुत सारे लोग आपको बात करते हैं WTR 2965 यार, इसके लो ऊपर भी तो बोलो, इसके ऊपर भी बहुत है दुनिया, और इसके ऊपर दुनिया है आपकी WTR 3925 इसके ऊपर है WTR 3925। इसकी बात कोई भी नहीं करता, क्यों भाई करो, देवेंद्र अग्रवाल करेगा, तेरा भाई जोगिंदर करेगा इसकी बात, तेरा भाई जोगिंदर करेगा इसकी बात। हाँ चलिए, तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया है ओप्पो का A3s और हम यहाँ पर इसके नेटवर्क सेक्शन में आएंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा ओप्पो के A3s में यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में, ये देखिए ये इसका WTR लगा हुआ है और आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा WTR 3925। सो ये IC यहाँ पर आपको लगी देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इस IC को, थोड़ा डिटेलिंग करता हूँ यहाँ पर, तो नोटिस कीजिएगा। तो देखिए हम इस IC पर जाएंगे और इस IC को क्लिक करेंगे, WTR डबल टिक करेंगे। तो डबल टिक करने पर अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने डबल टिक किया हम ये IC यहाँ पे खोलेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, आपको यहाँ पे ये IC देखने को मिल रही है और जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई 2965 की बात करता है पर 3925 की बात कोई भी नहीं करता। तो चलिए आइए हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं दोस्तों WTR 3925 की। हमने इस IC को क्लिक किया तो इसमें भी यहाँ पर हम देखने हैं कि कितने आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों नोटिस करो यहाँ पर ना कोई 1 2 3 4 या ABCD नहीं दिया। सो जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, तो आप जाके देख लेना। सो आप देखिए, तो चलो हम यहाँ पर इसका वोल्टेज देखें, यहाँ पे सब DRX यहाँ पर दिया हुआ है। प्राइमरी हमारा PRX होता है, वैसे ही DRX होता है। तो दो एंटीना हमारे पास हैं और दो रिसीविंग, ताकि सिग्नल स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड की रिसीविंग देख रहे हैं। और अब मैं इस IC को यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस IC को ढूंढूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी, पहले आपको DRX सेक्शन मिल गया है इसमें, अब प्राइमरी RX और यहाँ पे TRX। सो आप देखिए कि तीन सेक्शन से मिलकर WTR यहाँ पे बनाया है, DRX, TRX, PRX। सो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, अब मेरे को मिल जाएगा वोल्टेज। सो ये ग्राउंड मिल गया, अब मिल जाएगा वोल्टेज। तो आप देखिए अब यहाँ पर मेरे को पावर मिल गया है, ठीक है। सो आपने देखा कि चार खंड में ये बना हुआ है, PRX, DRX, TRX और ग्राउंड, और अब यहाँ पे मुझे मिल रहा है वोल्टेज। सो अब बात करते हैं यहाँ पर वोल्टेज की। तो दोस्तों वोल्टेज यहाँ पर भी सेम ही आएंगे। अगर मैं बात करूँ, पहले आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा, आपको दो तरह के वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.0 और एक मिलेगा सेम 1.8। सो ये पर यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं ये बोल दूँ कि बाहर एक ही जगह चेक करना है तो भी गलत है, यहाँ अंदर अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे तीन जब सेक्शंस काम कर रहे हैं तो तीन सेक्शंस के लिए वोल्टेज मिलता है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको देखिए RF, जो मेन RF है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपके RF सेक्शन के लिए यहाँ पर एक VDD की एक इन वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। और अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, तो RX1 यहाँ पर रिसीविंग के पार्ट बना दिए हैं, जैसे RX1, RX2, DIG, यहाँ पर TX, और देखो यहाँ पर TVCO, TX, यहाँ पर भी RF1, RF2 जैसे दिया है। तो दो TX, तो बेसिकली यहाँ पे दो TX, एक दो RX और एक DIG, जैसे आप देखे होंगे। तो तीन आपके सेक्शंस यहाँ पे बनाए गए हैं और आपको यहाँ पर ये वोल्टेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज दिखाना चाहूँगा, नोटिस कीजिएगा, ये देखिए। तो ये आपको यहाँ पर 1.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो सबसे पहला एक रजिस्टर से होते हुए आएगा। सो एक रजिस्टर कॉमन है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पर
देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये रजिस्टर अगर ओपन हो गया तो ये सारे रजिस्टर पर कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और आपका वोल्टेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए ये रजिस्टर ओपन है, आप अगर मान लीजिए आपका ये रजिस्टर ओपन है, ये रजिस्टर ओके है, तो आपको इन सारे रजिस्टर के वोल्टेज चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये दो एक, ये दो एक, ये आर एक्स, ये टी एक्स और ये डी आर एक्स, तो इस तरह के तीन सेक्शंस को ये वोल्टेज दे रहा है और तीनों सेक्शंस को वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तभी वो अंदर आईसीयू के पैड पर बना रहा है। आप चेक कर रहे हो बाहर एक, ऐसा नहीं करने का, अंदर भी चेक करने का, अंदर भी चेक करने का, समझे का, अंदर भी चेक करने का, समझ में आया क्या? अंदर भी चेक करने का, बाहर नहीं चेक करने का, मिड लेयर में घूमने का, अगर अपडेट होना है, नहीं तो नोकिया जैसे सरक जाओगे और 5G आएगा, 4G जैसे खिसक जाओगे, कोई यूज़ नहीं करेगा। हाँ, डोकोमो बन जाओगे, डोकोमो, डोकोमो बनना है, नहीं ना, तो अपडेट होना चालू कर दो। सो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, तो ये आपको एक WTR 3925 में सेम दो ही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। सो एक कंट्रोल पार्ट बना दिया गया है जिसको तीन डिवीजन में डाल दिया गया है, एक TRX, एक RX, एक PRX जिसको हम बोल सकते हैं, और एक DRX, और उसके अलावा यहाँ पर डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक वोल्टेज सेक्शन और एक ग्राउंड सेक्शन। सो अगर मैं इस वोल्टेज को ढूंढना चाहूँ तो कैसे ढूंढूंगा, यही चीज़ इस वीडियो का मेन प्रोपोगंडा है, ये सिखाने का, ये बताने का। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था 2965 पे, आप इसको ढूंढ लेना, और मैंने आपको बता दिया है कि WTR 3925 पे भी सेम वोल्टेज ढूंढे जाते हैं जितना WTR 29। तो मैंने तो दोस्तों, इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था WTR 2965 पे, वो भी वीडियो देख लेना, और मैंने आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि WTR 3925 पे भी वही सेम वोल्टेज बनाए जाते हैं, सेम सेक्शंस होता है, कुछ अलग नहीं होता है, IC का नंबर बस अलग है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हल्का फुल्का कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, मे बी अलग हो, क्योंकि अभी इसको पूरा पढ़ा नहीं गया है। सो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वो भी हमें समझ में आएगा, फिलहाल हमें वोल्टेज समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मुझे झेलने के लिए थैंक यू वेरी मच, और नॉलेज लेने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, और मेरी मेहनत के लिए और आपके इस नॉलेज के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 वाई वन है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।